वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत ही कॉमन सी रेसिपी। ये है साउथ इंडियन स्पेशल इडली की रेसिपी। इसे हम घर पे सबसे पहले हम इसका बैटर रेडी करेंगे और उसकी हेल्प से हम इडली को बनाएंगे। तो देखेंगे कि हमारे जो होममेड बैटर से जो इडली रेडी होगी बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनने वाली है। तो बिना देर किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमें इडली बनाने के लिए हमें ले लिया है ये रेगुलर राइस है, जो कि सोना मसूरी रेगुलर राइस है, ये कोई इडली की राइस नहीं है। तो हमने यहाँ पे रेशियो रखा है दो कटोरी का। तो दो कटोरी हमने यहाँ पे ले लिया है राइस का जो रेगुलर है, और वन कटोरी हमने ले लिया है ये उड़द की दाल है जो बिना छिलके की ये दाल है। इस तरह से हमने इसे साफ करके ले लिया। साथ ही साथ हम लेंगे एक बड़ा चम्मच मेथी दाना का। अगर आप चाहते हैं तो उड़द दाल और मेथी दाने को आप अलग अलग भी भिगो सकते हैं। अगर आप एक साथ भी कर सकते हैं तो हम यहाँ पे एक साथ रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसे 3 से 4 पानी अच्छे से वाश करना है, और इसमें वाश करने के बाद इसमें पानी डाल के हमें पूरे 10 से 12 घंटे के लिए हमें सोक होने के लिए छोड़ देना है। दस से 12 घंटे के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा पोहा ले लिया है जो हाफ कप के आसपास है। इसे हमें वॉश कर लिया 2-3 पानी, और 12 घंटे के बाद हम एक से छान लेंगे जो हमने भिगोया था चावल और दाल का। तो अब हम इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंडर जार में डाल लेंगे, और जो हमने पोहा भिगो के रखा था उसका भी हम 5-6 चम्मच ले लेंगे, और हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप वाटर का। हमें ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा कम हो जाए, बाद में भी पानी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा बैटर पतला हो गया तो फर्मिंग नहीं होगा, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बैटर ज़्यादा पतला नहीं करना है। पानी अगर हमें चाहिए तो हम बाद में भी ऐड कर लेंगे। तो हमें इसे ग्राइंड करना है। आप देख सकते हैं कि ये बैटर हमारा रेडी है। ऐसा थिक सा बैटर हमारा रेडी है जो बहुत ही परफेक्ट है। शायद बाद में थोड़ा सा ये और भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही चिकना सा ये बैटर हमारा रेडी है। हम इस बैटर को चाहे तो 5 से 6 दिन के लिए हम फ्रिज में ही स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश ही रहेगा 6 दिन तक। तो हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। आप देख सकते हैं कि ये बैटर हमारा रेडी है। हमें ज़रूरत है फर्मिंग करने की, तो हम इसे या तो माइक्रोवेव में या तो ओवन में हमें इसे 24 घंटे के लिए रखना है। तो हम यहाँ पे इसे ओवन में डाल रहे हैं। आफ्टर 24 घंटे के बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा बैटर है बहुत ही लाइट एंड फ्लफी हो चुका है। बट बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन इसकी हेल्प से भी हम बना सकते हैं। ऑलमोस्ट ये पूरा फ्लफी हो चुका है, तो आई थिंक हमारी इडली बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है। अब हमें जितना बनाना है, क्योंकि हमने शॉर्ट आउट नहीं किया था, तो हमें जितना बनाना है हम उसे ले लेंगे, और जो बैटर हमारा बच जाएगा हम इसे स्टोर कर देंगे 5 से 6 दिन के लिए। ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा, तो जो बनाना है हम ले लेंगे, क्योंकि उसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस बैटर से हम इडली को रेडी करेंगे। तो मेरे पास एक मोल्ड है, माइक्रोवेव मोल्ड है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया। Thank you.
अब हम जो बैटर है उसको फील करेंगे बोल के अंदर, कुछ इस तरह से हम फील करके इसे रेडी करेंगे। अगर हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट नहीं होता है तो हम चाहें तो थोड़ा सा इनो भी ऐड कर सकते हैं, बट ये ऑलमोस्ट फ्लफी हो चुका है आफ्टर 24 आवर्स के बाद, तो अब हमें यहाँ पे इनो की ज़रूरत नहीं है। जो इडली है बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हम इसे मोल्ड में फिल कर लेते हैं। लास्ट में टैप टैप करेंगे ताकि हमारा जो रीडिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसे माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए रखेंगे। और देख सकते हैं हमने जो मोल्ड में नीचे थोड़ा सा पानी दिया हुआ है 1 कप के आसपास, और हम इसे जो मोल्ड है उसको रखेंगे और कवर करेंगे वापस से 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव मोल्ड नहीं है तो आप इसको गैस पे भी स्टीम कर सकते हैं इडली मोल्ड में, तो उससे भी अच्छी बनेगी इडली। तो आप देख सकते हैं 4 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे बाहर निकाल लिया है। एक मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी। इसके बाद ये देख सकते हैं कि कितना स्पंजी और फुली फुली सी की हमारी इडली बन करके रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि तब परफेक्ट बनी हुई है। अब हम इसे निकाल लेंगे, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल एक साथ निकलेंगे ऐसे। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन करके रेडी है, बिना किसी मेहनत के बहुत ही आराम से बन गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।